बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ का 10वां दीक्षांत समारोह 13 फरवरी को आयोजित होगा। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह को भव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 10 मेधावियों को राष्ट्रपति द्वारा मेडल और डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रपति के आगमन के लिए 3 हेलीपैड बनाए गए। शुक्रवार को हेलीपैड स्थल पर सेना के जहाजों ने रिहर्सल किया। लखनऊ प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का विधिवत निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। कोरोना के कारण गत वर्ष विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं हो सका था, लिहाजा इस बार 2 वर्ष के मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार तकरीबन 250 मेधावियों को मेडल प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 3,800 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। आई इंडिया संवाददाता आयुष जैन ने विश्वविद्यालय में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। रायबरेली रोड स्थित लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 13 फरवरी को आयोजित होगा। दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना है। चूंकि कोविड की वजह से 2 साल से दीक्षांत समारोह अटका हुआ था, इसलिए इस बार दीक्षांत समारोह को बहुत ही भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विश्वविद्यालय को एक तरफ जहां आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है, दूसरी तरफ साफ सफाई और रंगरोगन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। चूँकि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति को आना है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति का आगमन विश्वविद्यालय कैंपस में 13 फरवरी को सुबह होने की पूरी संभावना है, इसलिए राष्ट्रपति के हेलीपैड स्थल को विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर ही बनाया गया है। राष्ट्रपति का आगमन हेलीपैड स्थल से ऑडिटोरियम तक होगा। बड़ी बात यह है कि इस बार ऑडिटोरियम में राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के मेधावियों को मेडल और डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है कि 10 मेधावियों को गोल्ड मेडल राष्ट्रपति द्वारा दिए जाएंगे, इसके अलावा डिग्रियां भी प्रदान की जाएंगी। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो 1996 में भारत सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय का एक अपना एक अलग ही महत्व लखनऊ में जुड़ता है। चूँकि ये राजधानी का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी लालायित रहते हैं। इस वक्त 250 एकड़ में फैली इस विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक के बहुत सारे कोर्स जो है वो संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों और हजारों स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वाइस चांसलर के रूप में आचार्य श्री संजय सिंह इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में ग्रीनरी जो कि हरियाली जो है वो काफ़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ताकि जो यहाँ का वातावरण है वो विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का शैक्षणिक माहौल काफ़ी अच्छा है और यहाँ से सीखकर विद्यार्थी देश और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही पिछले दीक्षांत समारोह में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे और उन्होंने यहाँ के मेधावियों को कई प्रेरक संबोधन देकर उनका मार्गदर्शन भी किया था। क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर जो है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए 13 फरवरी को भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत और वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होना है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।